दीपक, गणतंत्र दिवस के जश्न में पहली दफे ऐसा हो रहा है कि हम गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि किसानों की परेड निकलनी है, तो ये भी इतिहास में दर्ज हो रहा है। मैं आपके पास भी जावेद आऊंगी, लेकिन उससे पहले गणतंत्र दिवस के साथ साथ दिल्ली पुलिस की मुश्किल किसानों की ट्रैक्टर रैली ने बढ़ा दी है। रात भर दिल्ली पुलिस के जवान सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें बंद करते दिखे। सिंघू बॉर्डर के पास पुलिस वालों ने क्रेन की मदद से सीमेंट के बैरिकेड के बीच सड़क पर वहां पर लगाए हुए नजर आए ये तस्वीरें। एक के बाद एक कई बैरिकेड लगाने के बाद इन सीमेंट के बैरिकेड को एक जवान रस्सी की मदद से बांधता हुआ भी दिखाई दिया, जबकि सिंघू बॉर्डर से ही सामने आई दूसरी तस्वीर में पुलिस वाले क्रेन की मदद से बड़े बड़े कंटेनर लेकर पहुंच गए और बीच सड़क पर कंटेनर लगाकर रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक किया गया। जावेद, सिंघू बॉर्डर से ही आप हैं, जरा बताइए ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये क्या आप लाइव इस वक्त दिखा सकते हैं हमें? देखिए प्रीति, बिल्कुल आज बहुत बड़ा दिन है, जहां एक तरफ देश गणतंत्र दिवस मना रहा है तो दूसरी तरफ किसानों की परेड भी है। देखिए किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। ये जो पॉइंट है संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर है और यहाँ पर आप देखेंगे पूरी तरह से बैरिकेड्स है, रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो आगे की तरफ तैनात की गई है। और ज़रा तस्वीरें हम आपको और दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर पत्थर के जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं। तस्वीरों में आप देखेंगी किस तरह की व्यवस्था की गई है, उनको चैन से बाकायदा बांधा गया है। जहाँ ये पॉइंट है यहाँ से 13 किलोमीटर दूर जो है सिंघू बॉर्डर है, और जो अभी खबर मिल रही है वो ये कि कुछ जो ट्रैक्टर्स हैं वो सिंघू बॉर्डर से निकली है। और देखिए इस तरफ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं पूरी तरह से तैनात है, और यहाँ पर जो वाटर कैनन है वो भी यहाँ पर तैयार की गई है। और देखिए मैं और आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से जो रास्ता है दिल्ली के अंदर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद किया हुआ है, और सिक्योरिटी फोर्सेस देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। और देखिए जो पूरा एक ये सड़क है, दोनों रास्ते सड़क के आने और जाने वाले, इसको एक बड़े पर्दे से पूरी तरह से बंद किया गया है, और इसके पीछे ट्रक्स खड़े हैं। यहाँ पर भी देखिए पूरी तरह से जो पोजीशन है वो दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल यहाँ पर लिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्रेन यहाँ पर खड़ी है, किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर हैं, और संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है सुरक्षा बलों की। और क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने भी कहा था कि ये बड़ी चुनौती है, और जो तय रूट हुआ है उसको जो पुलिस है उम्मीद कर रही है कि किसान उसी रास्ते पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर पूरी तरह से पोजीशन ले लिए, जो खबर पुलिस को मिल रही है कुछ ट्रैक्टर जो हैं वो सिंघू बॉर्डर से निकले हैं। मैं अगर आपको दिखाऊँ, देखिए यहाँ पर भी जो वाहन हैं पुलिस के वो यहाँ पर खड़े हैं, तो ये तैयारियाँ हैं। दरअसल इसी रास्ते से, इस सड़क की एक लेन से, ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये सिंघू बॉर्डर को जाती है। 13 किलोमीटर का ये फासला है जहाँ इस पॉइंट पर हम मौजूद हैं। जो अनुमति किसानों को मिली है इसी सड़क पर मिली है, इसके एक तरफ आएंगे और इसी से होते हुए संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए आगे अपने हिस्सों में बढ़ेंगे। पूरी तरह से मनाही है कि जितने भी किसान हैं उनको दिल्ली के किसी भी अंदरूनी हिस्से में जाने की अनुमति नहीं होगी। बाकायदा 6 राउंड की मीटिंग के बाद किसान नेता और पुलिस, 3 राज्यों की पुलिस ने मिलकर फैसला किया। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पुलिस लगातार अपनी जो पोजीशन है वो बढ़ा रही है। तो जहाँ एक तरफ आमतौर पर प्रीति हमें समझ रहे हैं कि जब गणतंत्र दिवस के मौके पर हम देखते हैं कि पूरे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन आज यहाँ दिल्ली के बाहरी इलाकों में, दिल्ली की सीमाओं पर पूरी तरह से जो पुलिस है यहाँ पर भी उसी तरह से तैनाती की गई है। तो ये पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी किसान को दिल्ली के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी, और लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो समझा रहे हैं कि कैसे पोजीशन लेनी है। साफ तौर पर सुबह हमने सुना था जो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट DCP हैं, उन्होंने कहा था कि किसानों की परेड जब निकलेगी हमें उम्मीद कर रहे हैं कि शांति से वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन तैयारी पर्याप्त यहाँ पर की गई है। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर RAF के जवान आपको नज़र आएंगे, अर्धसैनिक बल नज़र आएंगे, और दिल्ली पुलिस के हज़ारों जो जवान हैं वो यहाँ पर दिख रहे थे। कि वाटर कैनन यहाँ पर लगा दिया गया है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। आज 62वां दिन है किसानों का, तो 62वें दिन ये परेड किसान निकालना चाह रहे थे। जनवरी के शुरुआत में ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि वो 26 तारीख को किसान परेड निकालेंगे। सरकार से बातचीत पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद 6 राउंड की वार्ता किसानों और पुलिस के बीच में चली, उसके बाद दिल्ली पुलिस और किसानों की सहमति से यह तय हुआ कि दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स हटाएगी।
और एक रूट तय किया गया अलग अलग जगहों पर और उसी रूट पर तय जो है ये पूरी परेड को की जानी है। तो इंतजार यहाँ पर पुलिस कर रही है कि जो ट्रैक्टर्स हैं। आप तैयारियों के मद्देनजर दिखा रहे हैं जावेद, मैं आपका रुख दोबारा करूंगी, इससे पहले एक और रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ। कोरोना नियमों का असर इस बार गणतंत्र दिवस